और अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत खत्म हो गई है। आज पहला दिन था 370 दफा पर, यानी आर्टिकल 370 पर समाअत आज ही शुरू हुई थी 12:45 बजे के आसपास। अब से जाकर 30 मिनट पहले सुनवाई खत्म हो चुकी है पहले दिन की। 370 पर जब सुनवाई हुई तो कल सुबह दोबारा, कल दूसरा दिन होगा क्योंकि डे टू डे हियरिंग है, फिर परसों नहीं होनी है। पीर और जुमे को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन सुनवाई होगी, बीच में इतवार का दिन भी आप मिला लें तो फिर 4 ही दिन बचते हैं। आज फरीकैन ने जहां पहले से ही तहरीरी तौर दलाइल दिए थे, सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जो अब कल जाकर अपनी दलीलें देंगे, कल शाम तक का उनके पास वक्त है तकरीबन 10 घंटे का, 18 वकला के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। और आज जब वो सुनवाई के दौरान पहुंचे तो तकरीबन 4 से 5 घंटों तक वो आज अपनी बात रखते रहे, जहां पर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से उनने कुछ पुरानी और कुछ नई बातें, कुछ पुराने इकदाम और मौजूदा वक्त में हुकूमती इकदाम पर भी मुफस्सिल रोशनी अदालत के अंदर डाली। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे, थोड़ी देर पहले वो भी बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उनने मीडिया से भी बात की, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 370 को मनसूख करने वाली जो को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें थी आज ही 10:45 पर समाअत शुरू की थी और आज थोड़ी देर पहले समाअत खत्म हो गई है पहले दिन की। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं, जिन्होंने आज अपने अपने रिमार्क्स भी दिए कपिल सिब्बल को सुनने के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में कोर्ट के 5 जजों की बेंच, जो कि आज से अब हर दिन इस केस पर समाअत करेगी जुमे और पीर को छोड़कर, और एतवार का छुट्टी का दिन भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। कुल मिलाकर 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने वाला 5 अगस्त का जो फैसला था उसे ले चैलेंज करने वाली 20 के करीब अर्जियां थी। और आज आपको ये भी बताते चलें कि 2 मार्च 2020 से कबल समाअत की जरूरी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए दरख्वास्तों की समाअत 11 जुलाई को हुई थी और आईनी बेंच ने इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेजने की जरूरत के खिलाफ फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ताजा हलफनामे में मरकजी हुकूमत का भी मौकिफ सामने आया, जिसमें खसूसी हैसियत को मनसूख करने का दिफा करते हुए सरकार ये कहती है कि 370 को हटाने के फैसले से खत्ते में बेमिसाल तरक्की हुई, सलामती और इस्तेकाम को यकीनी बनाया गया। दावा यह भी सरकार का है कि गुज़श्ता 3 वर्षों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, दफातर और इदारे बगैर किसी हड़ताल या खलल काम करते हैं। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक सड़कों पर तशद्दुद, मिलिटेंसी के वाकयात, अलहदगी पसंद नेटवर्क्स के जरिए की जा रही पत्थरबाजी या पथराव और हड़ताल की कालें अब सिर्फ और सिर्फ माजी का हिस्सा है, लेकिन हुकूमत ने मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। आईनी तब्दीलियों के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी हुई है, जो दस्तावेजात अदालत के अंदर जमा कराए गए उसमें ये बातें कही गई हैं। लेकिन आज जब शुरुआत हुई तो आज तारीखी पस मंजर पर भी बात हुई। आज कपिल सिब्बल ने तकरीबन 4.5 से 5 घंटे तक जो अपनी बात रखी, जिसमें 370 से पहले और 370 के बाद वाली सूरत हाल पर भी मुफस्सिल रोशनी डाली और कहा कि जिस तरीके से फैसला लिया गया, यानी 2 फरीकैन में से एक फरीक की तरफ से गुलाम नबी आजाद की दरख्वास्त पर चुके कपिल सिब्बल पेश हुए हैं, तो उन्होंने इस मामले में जब आज अपनी बात रखी तो कोर्ट रूम में जब उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, वकला थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दीगर कुछ समाजी और सियासी कारकुनान या फिर वो तमाम पिटिशनर्स जो इस केस की मुखालफ जो इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आज पहले दिन केस की समाअत कर रहे थे, जब केस की समाअत हो रही थी तो वो भी यहां पर दलाइल सुन रहे थे। और कपिल सिब्बल ने 3-4 बड़ी बातें कही, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरफ से लिए गए फैसले, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स का मुल्क के साथ जुड़ना, मर्ज उनका करना 1947 से पहले की, और उसके बाद pre-47 post-47 की सूरतेहाल, 1953 1954 के कवानीन का हवाला देते हुए 370 की जब शुरुआत हुई तब इसको क्यों लाया गया, कहा कि दिफा करना था, जमहूरी तर्ज अमल को बचाना था, जमहूरियत को बहाल करना था, इसलिए जिम्मेदारी ली गई, इन कवानीन को लाया गया। लेकिन नापाक अजायम के लिए भी 370 के इस आर्टिकल को इस्तेमाल करने की कोशिशें हुई। साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरीके से 2018 में असेंबली तहलील करने, गवर्नर के इकदामात जिनको गैर आईनी, उनके आज के दलाइल के मुताबिक करार दिया गया। अब दूसरी तरफ इंतजार ये भी है कि 18 वकला जिनमें सरकार की जानिब से भी और जो पेटिशनर्स हैं वो भी जो मुखालफत इस फैसले की कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 के, वो अपने अपने दलाइल मुकर्रर मुद्दत के अंदर देंगे। 70 घंटों तक
कुल मिलाकर अदालत उज्मा में अपने दलाइल वकला रखेंगे, जिनमें दो सीनियर वकील हैं, एक कल तक अपने जो दलाइल हैं वो तकरीबन फिनिश कर लेंगे, कल शाम तक कपिल सिब्बल 10 घंटे का वक्त उनके पास है, इसी तरीके से एडवोकेट सुब्रमण्यम के पास 10 घंटे का वक्त है, उसके बाद जम्मू कश्मीर से आए वकला उनको भी वक्त दिया गया है, किसी को 2 घंटे, किसी को 8 मिनट, किसी को 10 मिनट, तो कल 10:45 या 10:30 के आसपास सुनवाई लगातार दूसरे दिन होगी 3 अगस्त 2023 को। बहरहाल आज पहले दिन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, एक तरफ से आज दलीलें दी गई कपिल सिब्बल की तरफ से, कल भी उनकी बारी है और उसके बाद जब मारूफ वकील सुब्रमण्यम भी अपनी बात रखेंगे तो उसके बाद सरकार की जानिब से भी जवाब दिया जाएगा। हलफनामे के अलावा जो कुछ सरकार ने तहरीरी तौर पर अब तक जवाब तैयार कर रखा है वो भी जवाब सरकार की जानिब से दिया जाएगा।